ग्रैंड मास्टर। फ्रेंड्स, आप लोग एनर्जीज, जो हीलिंग एनर्जीज हैं, जो कि इंडिया में अभी नाउडेज प्रैक्टिस हो रहा है, लाइक हम लोग पहले से रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, करुणा रेकी, होली फायर रेकी, जो भी फॉर्मेट्स है रेकी का, उसके बाद एंजल हीलिंग हम लोग फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह का एक एनर्जीज है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म जो है, हर कल्चर का एक अलग मैग्नेटिज्म है, और इसका जो एनर्जीज है, जो काफी प्राचीन समय से जो हमारे पूर्वज लोग इस मैग्नेटिज्म की एनर्जी का यूज करते आए हैं, इसका कोई डेटा नहीं है कि कितना पुराना है, बट ये हमारे पूर्वज जो स्टार्टिंग में, जो प्राचीन समय में जो मंत्र के द्वारा इसको हम लोग एनर्जीज को अट्रैक्ट करते थे, अपने अपने रिलीजन के अनुसार कुछ रिचुअल्स करने के बाद, या हमारे जो गुरु हैं या जो हमारे पूर्वज हैं, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को शक्तिपात के द्वारा इस इनिशिएशन मंत्र का इनिशिएशन देते थे, और ये ट्रेडिशन चल रहा था। बट बीच में कहीं सा ये, जैसे ये ट्रेडिशन गैप हो गया था, बट समय के अनुसार कुछ प्राचीन लोग आए और उन्हें लगा कि इस एनर्जीज को प्रेजेंट डे में भी लोगों के पास पहुंचना चाहिए, और उसी तरह से चैनल्स बनते हुए सिस्टम के द्वारा, मेरे गुरु के द्वारा मुझे ये मैग्नेटिज्म का शक्तिपात मिला, इसका मंत्र का पावर मिला। मंत्र 6 वन टाइम चैंट करने से आप इसका एनर्जीज फील कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म के बारे में बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिज्म है क्या। मैग्नेट मतलब हम लोग सभी जानते हैं, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज है, किसी भी चीज को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है, अगर वो उसके अनुसार मिला तो, उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार, राइट। तो माना जाता है कि हमारा शरीर भी एक मैग्नेटिक बॉडी लेयर का एनर्जीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी लेयर हमारा सर बॉडी है। हमारा बॉडी भी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट करता है, यूनिवर्स के सारी एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। बट कॉमन पीपल में क्या है कि हम लोग उतना ही एनर्जीज अट्रैक्ट कर पाते हैं जितना कि हमारे जीने के लिए काफी है। बट ये एनर्जीज का जो पावर है, जो यूसेज का दायरा है, वो अनलिमिटेड है। मींस इस शक्तिपात, मैग्नेटिज्म के शक्तिपात के द्वारा जो मंत्र का आपका शक्तिपात किया जाता है यहाँ पे, उस मंत्र के द्वारा हम जिस तरह की एनर्जीज को चाहें, जितना चाहें, अपनी जरूरत के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, प्रॉब्लम के अनुसार, उस एनर्जीज को उतना ही अट्रैक्ट ज्यादा कर सकते हैं, और अपने मैग्नेटिक बॉडी लेयर को इंक्रीज इनलार्ज कर सकते हैं। सो कि हम लोग एक कॉमन पीपल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों, अबंडेंस में हो, प्रोस्पेरिटी उनके पास हो, नेम चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, पीस चाहिए, एक पूरे सोसाइटी में हार्मोनाइजेशन हो, हमारा हमारा जो आसपास का दायरा है वो सभी लोग खुश रहें, सुख शांति से रहें, है ना। तो मैग्नेटिज्म का भी यही फंडा है कि इसमें हम लोग सभी तरह के एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक हीलिंग एनर्जीज है,
जो कि फिजिकली आपको और मेंटली आपको इम्प्रूव करती है ना। लव एनर्जीज है, फैमिली लव है, जिस तरह का भी एनर्जी चाहिए, जो कि रिलेशनशिप लव हो गया, बिजनेस क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप होगा, बॉस एंड एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ के साथ जो हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, जो लव होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच जो लव होना चाहिए, वो एनर्जीज है। इसमें अबंडेंस की एनर्जीज है। अबंडेंस मतलब जो भी चाहिए हमें सांसारिक जीवन जीने के लिए, पर्याप्त मात्रा में धन चाहिए, हमारे सभी सुख शांति चाहिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, सभी एक सारा सभी तरह का जो भी हमारा सिनेरियो है, एक बैलेंस होना चाहिए हमारा आसपास का सोसाइटी, कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा खुश है, कोई बहुत तकलीफ में है ना। हमारे फैमिली में की बात करते हैं, कोई बहुत तकलीफ में है, कोई बहुत खुश है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई हंस रहा है, कोई ऐसा नहीं। एक बैलेंस होना चाहिए फैमिली में, सभी लोग खुश होने चाहिए, मीन्स एवरी पर्सन एवरी फैमिली शुड हैव गुड हेल्थ हैप्पीनेस वेल्थ अबंडेंस प्रोस्पेरिटी पीस सक्सेस नेम फेम, ये सब चाहिए आज के डेट में। तो इसके लिए मैग्नेटिज्म आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम अपने फिजिकल बॉडी में उस एनर्जीज को फील करते हैं। इस जो भी एनर्जीज है वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है, जो कि ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसका अभी वर्कशॉप होने जा रहा है, और इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी आपका वीडियो मैं कुछ डालूंगा, जिसमें कैसे पर्सन को ट्रांस में ले जाके उसके सबकॉन्शियस लेवल पे हम लोग हीलिंग करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, या फिर आप शक्तिपात प्राप्त करके आप भी दूसरे को एनर्जी दे सकते हैं, अपने फैमिली को। हम मेरा जो मानना है कि हर फैमिली में एक एनर्जी हीलर होना ही चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ में इतनी ज्यादा है, हर कदम पे कुछ न कुछ चैलेंजेज हम लोग फेस करते हैं। जितना ज्यादा चैलेंजेज होगा, इस तरह की एनर्जीज आपको उतना मोटिवेट करती है आपकी लाइफ में, हर चैलेंज को, हर टारगेट को, हर गोल को अचीव करने में ये एनर्जीज आपकी हर जगह मदद करेंगी, हमेशा आपके साथ रहेंगी। ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है, ये डिवाइन एनर्जीज है। इसके साथ हर लोगों को जुड़ना चाहिए। मैं जुड़ा हूं, मैंने अपना लाइफ चेंज किया है, मैंने अपना सोच चेंज किया है, मेरे थॉट्स, मेरे चलने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, सब कुछ मैंने इम्प्रूव किया है, और मैं अपने फैमिली को बैलेंस कर पा रहा हूं आज के डेट में। आप भी कर सकते हैं, और आप लोगों को करना ही चाहिए। हर फैमिली में एक हीलर होना ही चाहिए, ये मेरा गोल कह लीजिए या मेरी इच्छा कह लीजिए। तो इस मैग्नेटिज्म को हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप के द्वारा सीखेंगे, चार लेवल में सीखेंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप। और जो लोग भी सीखेंगे वो महसूस करेंगे कि ये उनका उनके साथ कोई दैविक शक्ति जुड़ी है। इस शक्तिपात के द्वारा लगेगा, आपको एहसास होगा कि ये एक डिवाइन एनर्जीज है, और इस एनर्जीज का किसी भी धर्म किसी भी जाति का कोई संबंध नहीं है। हर धर्म के लोग हर जाति के लोग इस एनर्जीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स एक है, ब्रह्मांड एक है, हम एक ही ऑक्सीजन लेते हैं,
हमारा पृथ्वी तत्व भी एक है, सब कुछ सेम है, एनर्जीज भी सेम है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, एनर्जीज आपको चाहिए तो इस मंत्र के द्वारा, इस शक्तिपात के द्वारा आप मैग्नेटिज्म की एनर्जीज को अपने अंदर डाल सकते हैं। बेसिकली हम अपने बॉडी को एक एज अ मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या एज अ मॉडेम कर सकते हैं, इंटरनेट मॉडेम। दैट सपोज ये पूरा ब्रह्मांड एक यूनिवर्स, एक इंटरनेट का नेटवर्क है, और जिस तरह की एनर्जी भी चाहिए वो यूनिवर्स से हम लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करके प्रोग्राम करते हैं अपने भीतर। उस एनर्जीज को अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे अपना और दूसरे का हम लोग परफेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो सोचेंगे, जो पॉजिटिव सोच हमारा होगा, वो रिजल्ट हमें मिलेगा। और ऐसा करने में इस तरह की एनर्जीज हमारे हर कदम पे, लाइफ के हर मोड़ पे हेल्प करती है। तो आप लोगों को इस तरह की एनर्जी से जुड़ना चाहिए, और बिल्कुल जुड़िए। और इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे इस यूट्यूब जो वीडियो है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एनर्जीज को जुड़ें और अपना और अपने फैमिली का, अपने समाज का, सबका हेल्प करें, सबका बेटर करने में, समाज को अच्छी सोच दिशा में ले जाने में। सब लोग सुखी हो, सब लोग संपन्न हो, सभी लोग स्वस्थ हो, ऐसा हमारी कामना है। और इस तरह की दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। अभी आप देखेंगे और कुछ हमारा फीडबैक भी आपको इस वीडियो में मिलेगा, आप जानेंगे कि मैग्नेटिज्म के हीलिंग कैसे काम करती है और किस तरह की एनर्जीज हैं। काफ़ी दिनों से मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार इस तरह से एक दूसरे से उलझे हुए थे मैं कि कभी भी मैं शांत रूप से अस्थिर बैठ नहीं पाता था। एक विचार आते जाते रहते थे। मैं अपने आप को शांत करने के बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। तभी मुझे किसी ने रोहन जी के बारे में बताया कि वो मैग्नेटिज्म के द्वारा हीलिंग करते हैं, जिनसे काफ़ी रिलैक्स लोगों को हुआ है और रिलैक्स महसूस होता है। मैंने आकर के इनसे मैग्नेटिज्म के प्रक्रिया के द्वारा हीलिंग का एक्सपीरियंस लिया। हीलिंग होने के बाद मैं काफ़ी शांत और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में जो भी विचारों का धुंध था वो सभी धुआं बन के उड़ गया है। उसके इस हीलिंग की क्रिया के बाद मैं अपना बैक बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही अच्छा, ऐसा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हो गया।